Now, good morning. Now, today we start our chapter 4th, that is part 2nd of SST textbook of class 4th, the Deccan Plateau. इससे पहले अपन ने पार्ट फर्स्ट में डेक्कन प्लेट्यू का कुछ पोर्शन समझा हुआ है. वो आपका क्या था, द नॉर्थर्न वेस्ट पार्ट ऑफ द प्लेट्यू एंड द नॉर्थर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू. आज अपन पढ़ेंगे द सेंट्रल प्लेट्यू, दैट इज पेज नंबर 22. द सेंट्रल प्लेट्यू को समझते हैं. दिस पार्ट ऑफ द प्लेट्यू लाइज बिटवीन द विंध्यास एंड द रिवर कृष्णा. उन्होंने बोला ये जो सेंट्रल प्लेट्यू है वो आपका ये विंध्या नदी और कृष्णा नदी के बीच में बसा हुआ है. द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ दिस पार्ट आर नर्मदा, द तापी, द गोदावरी एंड द कृष्णा. उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल प्लेट्यू में जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, जो आपकी मेन रिवर्स हैं, वो कौन कौन सी हैं भाई, नर्मदा, तापी, गोदावरी एंड कृष्णा. द नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लोस टूवर्ड्स टू द वेस्ट इन टू द अरेबियन सी. उन्होंने बोला है नर्मदा और तापी नदी जो है वो वेस्ट डायरेक्शन से बहती हुई आपके अरेबियन सी में जाके ज्वाइन हो जाती हैं, एज वेल एज गोदावरी एंड कृष्णा रिवर फ्लो टूवर्ड्स द ईस्ट. ये जो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी है ये ईस्ट डायरेक्शन से फ्लो होके एंड फॉल इन टू द बे ऑफ बंगाल. और कहां जाकर मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में. Usually the climate of this region is hot in summer, but the winters are warm. उन्होंने climate region की conditions बताई है कि summer season में कैसा होता है hot and winter season में कैसा रहता है यहाँ का climate, warm रहता है. The rainfall is low in its central part. यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है इसके central part में, but the western part, इस central plateau का जो western part है गेट्स हैवी रेनफॉल. कैसी होती है वहां, अति से ज्यादा बारिश होती है. द ब्लैक सॉइल ऑफ वेस्टर्न पार्ट इज मेड अप ऑफ लावा. उन्होंने बोला है इस यहाँ का जो वेस्टर्न पार्ट है उसकी जो ब्लैक सॉइल है वो किससे बनी हुई है, लावा से बनी हुई है. दिस इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज नॉन एज ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया. और यहाँ की जो सॉइल ब्लैक सॉइल जो लावा से बनी हुई है तो वो क्या करती है भाई, कॉटन के लिए बहुत हेल्पफुल है, कॉटन की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है. इसीलिए इसको क्या नाम दिया है, ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया. नेक्स्ट है आपका सदर्न प्लेट्यू. सदर्न प्लेट्यू क्या बोलता है, दिस पार्ट ऑफ प्लेट्यू रीजन लाइज बिटवीन साउथ टू ऑफ द कृष्णा रिवर. कृष्णा नदी के साउथ पार्ट में जो आपका प्लेट्यू है उसी को आप बोलते हो सदर्न प्लेट्यू. द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स लाई ऑन आइदर ऑफ द साइड्स. वेस्ट साइड्स में इसके वेस्टर्न घाट्स लाई करते हैं और ईस्ट साइड में इसके ईस्टर्न घाट्स लाई करते हैं. दीज आर माउंटेन रेंजेस दैट रन पैरेलल टू द साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट कोस्ट रिस्पेक्टिवली. द सदर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यू हैज नीलगिरी हिल्स एंड कैरडमोम हिल्स. उन्होंने बोला है सदर्न पार्ट में हिल्स अवेलेबल है, उनके नाम क्या क्या है, एक का है नीलगिरी हिल्स और एक का है कैरडमम हिल्स. दीज हिल्स आर सेपरेटेड बाय पास कॉल्ड द पालघाट. और ये हिल्स जिस रास्ते से पास होके जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पालघाट बोला जाता है. द सॉइल हियर इज नॉट वेरी डीप एंड इज येलोइश टू रेड इन कलर. उन्होंने बोला यहां की मिट्टी क्या ज्यादा गहरी नहीं है, थोड़ा बहुत खोदने पर ही पत्थर स्टार्ट हो जाते हैं. और यहाँ की मिट्टी का कलर कैसा है, येलोइश और ज्यादा से ज्यादा लाल कलर की यहाँ मिट्टी देखने को मिलती है. मिनरल्स लाइक आयरन, गोल्ड एंड मीका आर फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ द प्लेट्यू. उन्होंने बोला है इस रीजन में जो मिनरल्स मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आयरन, गोल्ड एंड मीका. मट्टूर डैम इज बिल्ट ऑन रिवर कावेरी. इट इज द लार्जेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट इन साउथ इंडिया. These areas are very fertile and are called rice bowls because a lot of rice is cultivated here. उन्होंने बोला है कावेरी नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है इस रीजन में, उस डैम का नाम है मट्टूर डैम और ये साउथ इंडिया का सबसे बड़ा इरीगेशन प्रोजेक्ट है. मतलब मट्टूर डैम से ही पानी जाता है खेतों में सिंचाई करने के लिए पूरे साउथ इंडिया क्षेत्र में.
और ये एरिया राइस चावल बहुत ज्यादा कल्टीवेट करता है, राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता है, इसलिए साउथ इंडिया वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, राइस बॉल ऑफ इंडिया। इन दिस पार्ट ऑफ प्लेट्यू रीजन द रिवर्स हैव फॉर्मड डीप वैलीज, देयर आर मेनी वाटरफॉल इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में बहुत सारी नदियां हैं और बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जहां पर आपको बहुत सारे झरने देखने को मिलते हैं। द फेमस जॉग फॉल्स ऑन द रिवर शरावती इन कर्नाटक आर द हाईएस्ट फॉल्स ऑन इंडिया। उन्होंने बोला यहाँ का जो इंडिया का फेमस है झरना है वो क्या है, जॉग फॉल्स है, जो कहां पर है भाई, कर्नाटक पे है और शरावती नदी के ऊपर बना हुआ है। द प्लेट्यू रीजन इज रिच इन नेचुरल एंड मिनरल वेल्थ इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज। ये जो क्षेत्र है वो इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में बहुत सारे मिनरल्स को प्रोड्यूस करता है। दीज रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही साथ इनकी जो नदियां हैं वो क्या करती हैं भाई, इरिगेशन भी प्रोवाइड करती हैं और यहाँ के पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड एंड वाइल्ड लाइफ, और यहाँ का घना जंगल जानवरों को रहने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ लकड़ियां देता है। यही था आपका पार्ट सेकेंड। आई होप आपको पार्ट सेकेंड और इससे पहले पार्ट फर्स्ट समझ में आया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।